है भारतीय रेल का सरकारी आवास, जिसमें देख रहे हैं ये 2 घंटे बारिश क्या हुई कि हम तैरने लगे अपने क्वार्टरों में। और ये देखिए, ये है हमारा फ्रिज जो कैसे डूबा है। ये देखिए, ये हमारा सामान है, लेकिन इधर इधर छाने हुए हैं। इधर किचन भी देखिए, किचन की हालत देखिए क्या हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखिए, ये आंगन का हालत है। ये देखिए, 1 फीट पानी जमा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, ना तो IW, ना ही DN, ना ही CWM, ना DPT, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है हमारी समस्या। ये देखिए, इतनी पानी है, सारा इधर से उधर, इस छोर से उस छोर पानी जा रहा है। किसी के पास जाओ तो वो बोलता बजट नहीं है, पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, रिपेयरिंग का पैसा नहीं आता। हमारे पैसे महीने का 3000 रुपया कटता है, एक क्वार्टर का कम से कम 3000 रुपये कटता है। अगर डिपार्टमेंट सरकार अगर इसमें उसका 10% ही अगर महीने का लगाए तो लगभग साल का 3000 रुपया हो जाता है, 3500 रुपया। अगर वही पैसा खर्च कर दे हमारे क्वार्टरों पे तो हमारे क्वार्टरों का ये हालत ना हो। ये देखिए, डिपार्टमेंट कहती है कि पानी नहीं आता पीने वाला, कोई बात नहीं, यही छान छान के पियो, बारिश का पानी बहुत साफ होता है। अभी हम क्या करें इसका। ये देखिए, ये है हमारा ये पानी के हवाले कर दिया गया, कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये देखिए, ये हम अपने सुविधा के हिसाब से एक और पानी बना ले, उसमें तो पानी चूता है इस वाले कमरे में, लेकिन इसको हमने करकट डाल के बनाया कि पानी ना छुए, तो नीचे से पानी आ गया। कहाँ रहे, इसको कहें ये दुर्दशा है रेलवे का। ये देखिए, सारे पानी दरवाजे का हालत ये है, वाइपर डूब जा रहा है। ये देखिए, ये हर आधे घंटे में हमें पानी को निकालना पड़ रहा है। ये देखिए, हर आधे घंटे में पानी निकाल रहे हैं, फिर भी 1000 लीटर पानी हर आधे घंटे में। ये देखिए, ये हमारा जूता है, देखिए कैसे तैर रहा है। ये देखिए, ये चप्पल है, इससे सांप भी आते हैं बाहर से, जितने सांप निकले, जितने बारिश का जीव निकला, वो सारे हमारे घरों में कहाँ चुपक जाएगा पता नहीं चलेगा। ये देखिए।